नमस्कार, आगाज न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखते हैं आगाज न्यूज़ में क्या क्या कुछ है। बहुत जल्द उरण शहर वालों के लिए खुशखबरी है। उरण से NMT स्टॉप जहां पहले था, फिर वहीं से सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक NMT बस वहीं से शुरू की जाएगी। और उरण के शहरवासियों को जो 4 फटे पे आने की परेशानी होती थी, वो अब शहर से ही दूर हो जाएगी। उसी के साथ में उरण की सबसे बड़ी खबर यह है कि उरण पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रविंद्र भुदवन की टीम ने 16,81,500 रुपये का बायोडीजल जो अनलीगली तरीके से बेचा जा रहा था, उस पर रेड करके जो डीजल माफिया थे उनको अरेस्ट किया है और उन पर सख्त कार्रवाई करने की ताबड़तोब कार्रवाई की है। उसके साथ में और कई जैसे कि टैंकर के साथ में जो मशीनें, जो डीजल निकालने की मशीनें और किस कहां से लाते थे, वैसी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने शुरू कर दिए। ये सबसे बड़ी खबर थी उरण की, जो कि बायो डीजल रात में रेट गई है। उसी के साथ में अलीबाग के रोडंडा गांव में 8 लाख रुपए का गांजे के साथ में गांजे के सामने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गांजे की तस्करी कहां से हो रही थी, कहां पे ख़त्म हो रही थी, ये इन्वेस्टिगेशन रोडंडा रायगढ़ पुलिस की टीम ने, नारकोटिक्स की टीम ने अभी पर्दाफाश करने का खुलासा किया है। ये थी आगाज़ न्यूज़ से अहम खबरें।